हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में प्राइस डिटरमिनेशन देखा था, डिमांड सप्लाई, याद आया क्या? टू ब्लेड्स ऑफ सीजर नेसेसरी टू कट द पीस ऑफ क्लोथ, क्लोथ बोलो पीस ऑफ पेपर बोलो एक ही बात है, और डिमांड सप्लाई करो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते देखा था। चलिए परफेक्ट कंपटीशन का स्टेशन छोड़ के गाड़ी आगे बढ़ रही है और स्वागत कीजिए नए क्वेश्चन का, इनपरफेक्ट कंपटीशन। हाँ जी, देखो इसका नाम ही है इनपरफेक्ट, मतलब जो परफेक्ट नहीं है, सीधी बात है। जो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या था भाई? एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एक प्राइस रहेगा यूनिफॉर्म, प्रोडक्ट होमोजीनियस रहेंगे, बहुत सारे सेलर होंगे। गाना भी मैंने गाया था ना, मैनी बायर मैनी सेलर, ऐसा तो परफेक्ट की बात हुई जी। परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी सिचुएशन है, याद रखना यह शब्द। दुनिया में एकदम ऐसी मार्केट किधर नहीं है बच्चा। अभी हम इनपरफेक्ट मार्केट की बातें शुरू करने जा रहे हैं, अदर देन परफेक्ट इज कॉल्ड इनपरफेक्ट। उसमें एक मार्केट का जो सिचुएशन में तेरे सामने रख रहा हूं और वो है मोनोपोली। हाँ बच्चा, मोनोपोली, मोनोपोली, ये दो शब्द है बच्चा जिसके जोड़ने से ये शब्द बनता है मोनोपोली। मोनो यानि सिंगल और पोली यानि सेलर, तो मोनोपोली यानी सिंगल सेलर, ये भी एक सिचुएशन होता है बच्चा, सिंगल सेलर, कोई अकेला है, होल एंड सोल वही है, पूरे बाजार में एक ही इंसान है कि जो वो चीज बेचता है, नो सेकंड सेलर, सोच लो। मतलब आपको उसी का ही हाथ जोड़ के विनम्रता से उपयोग करना है। वो बोले वो प्राइस चुकाना पड़ेगा क्योंकि वो अकेला है, सिंगल है, आप टैटू नहीं कर सकते, बार्गेनिंग नहीं कर सकते, अकेला है तो थोड़ी दादागिरी करेगा ना जी। मैं एक बार जैसलमेर गया था राजस्थान, बाबूजी वहां ऊंट पे बैठने का चलता है जैसलमेर, तो वो ऊंट पे बैठने का मतलब वो जो चार्ज बोलेगा देना है, तो वो पूरे के पूरे ऊंट एक ही जन के थे, साला बड़ा मजबूत। और उसने भी देखा हमारा क्या जैन लोगों का संघ गया था, यात्रा करने निकलते ना, तो हम लोग क्या वो घूमना और यात्रा दोनों साथ में है, ताकि थोड़ा टूर भी हो जाए, थोड़ा धार्मिक हो जाए ऐसा। तो उन लोग को भी मालूम होता है कि अब ये पूरा संघ आया है, 200-300 लोग हैं, तो उसका एक मुखिया होता है, वो सबको एक बाजू कर लेता है और भाव नक्की करता है। और हम लोग को तो ऊंट पे बैठना ही है, मुंबई में हम लोग तो कभी घोड़ा गाड़ी नहीं देखे, तो ऊंट पे बैठने का आनंद ही लेने का। और उधर बोल के ही गए थे कि जैसलमेर में ऊंट की सवारी करनी है, तो हम लोग जैसे जैसलमेर पहुंचे तो भगवान के दर्शन तो होने तब होंगे, लेकिन हमारे खोपड़ी में सबके ऊंट की सवारियां नाच रही थी, ऊंट पे भी बैठ के देखेंगे कैसा होता है। बाबूजी ऊंट का आपको एक बात बताता हूं, अजीब और गरीब है, ऊंट को बराबर ध्यान से देखना, वो जल्दी से बैठेगा नहीं, और बैठेगा तो कैसे बैठेगा ना, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई साइंस नहीं है। आदमी लोग तो ऐसे ही बैठेगा ना, जैसे पैर पकड़े तो बैठेंगे। बाबूजी ऊंट पीछे से भी बैठ सकता है, ऊंट आगे से भी बैठ सकता है, बीच में से बैठता है, सीधा बैठ सकता है। बाबूजी
ऊंट का बैठने का कोई तरीका नहीं है, और ऊंट के बैठने पे तो लोग वहां जुआ खेलते हैं, ऐसा बैठेगा कि ऐसा बैठेगा, ये राजस्थानी लोग हैं, टू द पॉइंट। तो ऊंट वाला शाला निकला, चला एक सवारी का जहां वो 100 रुपया भी नहीं लेने वाला था, तो उसने सबके लिए मिनिमम 250 रुपया रखे के, और बच्चे लोग के 200। बोलो, अरे हम लोग भी परेशान कि इतना सारा पैसा लेते हैं, बैठने का है तो बैठो, क्योंकि उसने देख लिया इतना बड़ा फौज है हम लोग का, तो बैठेंगे ही। सब लोग ने बाबूजी हाथ जोर जोर के बैठे, और फिर तो उसके पास ऊंट कम थे, तो एक ऊंट पे हम लोग दो दो लोग बैठे। मोनोपोली इसको बोलते हैं, बैठने तो बैठ, नहीं तो चल दूसरे को आने दे। तो अपन बोलते हैं, नहीं बाबा उसके ऊंट कम है, हमारी फौज है, अपना नंबर नहीं आएगा तो चल जल्दी। मोनोपोली ये अनुभव किया मैंने, मोनोपोली सिंगल सेलर खुद की तरह। अभी आप बोलेंगे सर दूसरे लोग, वहां कुछ है ही नहीं, वही अकेला है, वही आपको रण में ऊंट की सवारी करनी थी तो बस आपको आनंद लेना था, अब आप कर भी क्या सकते हो, कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं कि कोई घोड़े पे जाएंगे, कोई हाथी पे जाएंगे, अपन ऊंट पे कुछ नहीं। टू द पॉइंट, सो मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर, अकेला सेलर है जो कस्टमर के ऊपर राज करेगा, पैसा ज्यादा ले सकता है, उतना ही नहीं सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है कि जाओ नहीं देना है। आप क्या कर सकते, कुछ नहीं। सो मोनोपोली ये अलग प्रकार की मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन में पहले बोला था मैनी सेलर, हियर सिंगल सेलर, वहां प्राइस सबका सेम है, सिंगल प्राइस यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। इधर बाबूजी दादागिरी, कुछ हमारे वहां जो बूढ़े लोग थे उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास है कितना, तो उसने बोला चलो चाचा जी आप 100 रुपया दे देना, हम लोग से 150, बच्चे का 200, चाचा जी से 100 में पटवा दिया। उसकी मर्जी, क्यों मत पूछ, दादागिरी कर सकता ना, सिंगल सेलर है। ठीक है बाबूजी, मैं अपना चैप्टर आगे बढ़ाऊंगा, जैसल मेरे को बाजू पे छोड़ता हूं, नहीं तो कहानी लंबी हो जाएगी और आपको भी मजा आता है। ये सब सच्ची कहानी है बाबूजी, टू द पॉइंट। बाबूजी इट इज अ टाइप ऑफ मार्केट शोइंग सम बट नॉट ऑल द फीचर ऑफ कॉम्पिटिशन। बाबूजी इसमें पहला है मोनोपोली। मोनोपोली शब्द ग्रीक में से आया है, मोनो मीन्स सिंगल, पोली मीन्स सेलर, मोनो मीन्स सिंगल, पोली मीन्स सेलर, मोनोपोली सिंगल सेलर, ऐसा है ना। इट इज अ मार्केट वेयर देयर इज ओनली वन सेलर, सिंगल सेलर, तो सीधी बात है, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बोलो ना जैसलमेर ऊंट की सवारी, गजब होता है, उड़े से दौड़ेगा तो अपन ऐसा 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 होते रहते हैं, जुलते हैं। हाँ बैठ के देखना, आपको भी लगेगा जीवन में सब आनंद लेने का बच्चा। चल, विच इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आगे बढ़ूंगा बच्चा, अकॉर्डिंग टू ई एच चेंबरलेन, ये इकोनॉमिस्ट था अमेरिका का, चेंबरलेन, चेंबरलेन बोले बोले चेंबरलिन, दो चार बार बोल लेने का ताकि वो नाम आपके कब्जे में आ जाता है। मोनोपोली रिफर्स टू द सिंगल फर्म विच हैज द कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सप्लाई पे कंट्रोल करेगा और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि ये नहीं तो और कोई, तो कि कोई नहीं। बाबू जी अपने पास एक उदाहरण मैंने लिया है, जरा देख ले, तेरे को भी अच्छा लगेगा। आज की तारीख में मैं सच बताता हूं, रेलवे का कोई कंपटीशन में है ही नहीं, रेलवे के कंपटीशन में। एरोप्लेन इज डिफरेंट स्टोरी बाबूजी, रोड का स्टोरी तो एकदम ही अलग है। जहाज का मतलब नेवी वाटर ट्रांसपोर्ट, उसका स्टोरी तो और अलग है। आपको सबसे कंफर्ट और सबसे प्रॉपर लगेगा ना, तो इट इज रेलवे ओनली। और भारत में आज तक इंडियन रेलवे का आज भी नाम है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मुझे इतना ही बोलना है, आज की तारीख में भी अगर जो कोई पक्का सच्चा उदाहरण है तो इंडियन रेलवे, इसकी कोई कंपटीशन में नहीं आ सकता।
तो ये मोनोपोली का एक उदाहरण है आपके सामने। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। देर इज नो कॉम्पिटिशन, सिंगल प्रोड्यूसर और द सिंगल सेलर, एंड देर आर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेलर एक है, देखिए ना बाबूजी, ट्रेन की टिकट फटाफट फुल हो जाती है, बड़ा गजीब चलता है। पहले 5 सेकंड में पूरी ट्रेन फुल, 5 सेकंड। इंटरनेशनल अभी तो बुकिंग होता है ना, कहां से भी बुकिंग कर लो, इतनी पब्लिक, 5 सेकंड में आखिरी ट्रेन फुल। कभी सोचा है? रोज की बात है जी। तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, देर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जो वो सर्विस देता है, जो वो गुड्स सेलर है, जो भी बोलिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। द बायर्स हैव नो चॉइस आइदर टू बाय और गो विदाउट इट। बाबू जी, या तो आप वो गुड्स खरीदिए उसके पास से ही, क्योंकि वो अकेला है। बाबू जी एक और उदाहरण देता हूं, हमारे मलाड़ में, मैं मलाड़ में रहता हूं ना, उधर से बात कर रहा हूं। पहले के जमाने में लोग दातुन करते थे, आज भी कुछ लोग करते होंगे, मेरे को भी दातुन का शौक है बचपन से, कभी कभी मैं भी मार लेता हूँ, चबा चबा करेगा, फिर इसका वो मस्त बन जाता है एकदम रुई जैसा, फिर ऐसा ऐसा घिसने का आनंद ही, और फिर ऐ करने के लिए दातुन को हम लोग ऐसा फोड़ते हैं, जबान साफ करते, करने का बहुत मजा आएगा। मुझे इतना ही बोलना है, मलाड़ मार्केट में सिर्फ एक दातुन वाला एक कोने में बैठता है। एक जमाने में 20-20 लोग थे दातुन बेचने वाले, ऐसे लाइन से खड़े रहते थे, और अभी एक ही है, क्योंकि सब लोग ब्रश करते हो गए। वो बेचारा चाचा बैठा रहता है, कोई आवे तो देवे, लेकिन वो फिर भी अपनी दादागिरी करता है। सिंगल सेलर है, उसको मालूम है जो दातुन वाले हैं वो तो उधर ही आएंगे, उसको ढूंढ के आते हैं। हे गोवर जी भाई नाम तक मुझे याद है, मुझे इतना ही बोलना है, उसकी मोनोपोली है। एक दातुन का वो मांगता है, वो हमको पैसा देना पड़ता है, नहीं देने का उतना पैसा, गो विदाउट इट। दूसरा कोई है ही नहीं कि दातुन बेचता है आजू बाजू में, तो आइदर बाय इट, पे द प्राइस व्हाट एवर ही आस्क, एंड इफ यू से नो देन यू विल हैव टू गो विदाउट दैट गुड, वो गुड्स आपको नहीं मिलेगा। बाबू जी इसका कोई क्रॉस इलास्टिसिटी हो ही नहीं सकता। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब जानते हो ना, एक का प्राइस चेंज हो गए, दूसरे की डिमांड चेंज हो गए, इधर दातुन वाला अकेला है, इसका कुछ नहीं होगा। देयर इज नो क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो, यू कैन से नेगेटिव, यू कैन से। बाबूजी थोड़ी बहुत मुझे बात करनी है, इंडियन रेलवे के सामने ये बस वाले भी है, एरोप्लेन वाले भी है, लेकिन बता दूं बाबूजी, रेलवे में जितनी सुविधा है, रेलवे में जितनी मजा है, ये बस में नहीं आता। रास्ते पे निकलते जाओ, कभी इतने खट्टे ऊपर नीचे होते हैं, बिहार के रास्ते देख लो बाबूजी। ट्रेन में जितनी मजा है उतना किधर नहीं, एरोप्लेन आप देख लीजिए, हवाई जहाज का भाड़ा कितना महंगा पड़ता है यार, और इतनी छोटी सी सीट अभी तो देते ना इकोनॉमिकल क्लास में। मैं सच बोलता हूँ, मैं अंदर जाने के बाद उठाने को एयर होस्टेस को बुलाना पड़ता है, दो होस्टेस आओ मेरे को उठाओ, साला इतना छोटा सा सीट देते हैं, अंदर जाएंगे तो फंस जाते हैं। इकोनॉमिकल में बैठना है ना, वो बिजनेस क्लास हो, दूसरे आप लग्जरी में बैठेंगे तो उन लोग पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं, डिलक्स, तो अपन क्या करें, बैठो इकोनॉमिकल में, ले फिर इतना छोटा सीट में तेरे को सेट करते हैं। परवर्ता नहीं है फिर भी उतना ऊंचा भाड़ा लेता है। बाबू जी रेलवे इज द बेस्ट, बड़ा मजा आता है, मेरे को तो अच्छा लगता है। अरे सब आते रहते, इडली वाला आवे ने, वो वाला आवे ने, सूप वाला आवे ने, ठंडा वाला आवे ने, आराम से, और अपन आराम से अपना स्लीपिंग बर्थ वगैरह रहता है तो सो आराम से, बैठो आराम से, और कोई उसमें खड्डा ऐसा उचक नीचक आता नहीं कि झट से उड़ेगा। मतलब मुझे इतना ही बोलना है, रेलवे के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता, रेलवे की आज भी मोनोपोली है, मानना पड़ेगा। बिंदास आप इधर उधर भटको, स्टेशन आएगा नीचे उतरो, मैं तो उतरता हूँ, मजा आता है ज्यादा दूर नहीं जाने का उतर के, गाड़ी चली जाएगी फिर सब हवा निकल जाएगी। चल भाई, बैरियर टू एंट्री, बैरियर मतलब रोक, अब जी दूसरे को आने नहीं मिलता है, बैरियर टू एंट्री, दूसरे को आने नहीं देंगे।
अब देखो ना, रेलवे इतने सालों से रेलवे वैसा ही है, उसके सामने दूसरा कोई कंपटीशन है ही नहीं। बैरियर मतलब देर इज नो कंपटीशन, देर इज नो राइवल, इट इज रिस्ट्रिक्टेड, मे बी लीगली, मे बी नेचुरल, मे बी टेक्नोलॉजिकल, जो भी बैरियर, बैरियर मतलब अवरोध। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक इंसान के पास जो टेक्नोलॉजी है दूसरे के पास नहीं है, वो कंपनी के पास। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज वगैरह निकाल के रखा, उनकी मोनोपोली तब से चल रही है, दूसरे ने अभी तक ऐसा फिट एंड फिट निकाला नहीं है, तो आज भी वो चल रहा है। दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल, कि उसके जैसा दूसरा नहीं है, यानी माइक्रोसॉफ्ट आज भी लीडर बन के खड़ा है। इंडियन रेलवे के सामने दूसरा नहीं आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट परमिट नहीं दे रहा है कि तुम भी तुम्हारा रेलवे पटरी डालो उधर से, हमारा इधर से तुम्हारा उधर से जाओ, नॉट परमिटेड, लीगली नॉट अलाउड। तो कभी कभी हम लोग एंट्री नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लीगल बैरियर, कभी कभी ऐसा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इन शॉर्ट उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। चल भाई आगे बढ़ने दे। कंप्लीट कंट्रोल ओवर सप्लाई, अकेला बादशाह सप्लाई को कंट्रोल करेगा। वो जैसलमेर का बोला ना ऊंट वाला, ये हमारा कुंवर जी भाई दातुन वाला बोला ना भाई, फुली कंट्रोलिंग सप्लाई, कितना दातुन बेचेगा, कितने ऊंट के ऊपर सवारी जाएगा वो नक्की करता है, कितना पैसा लेगा वो नक्की करता है। चला 100 रुपए का सवारी नहीं था, हमको 250 में चिटकाया, अकेला है ना, ना बोलेगा तो तुम जाओ वहां से, उसको मालूम है इतना सारा लंगर आया है, इसके पास ऊंट तो कम है, और सब लोग मुंबई से आए तो क्या ऊंट के ऊपर बैठे बिगड़ जाएंगे क्या, सवाल ही नहीं, बैठने को तो गए थे। टू द पॉइंट, द मोनोपोली हैज कंप्लीट होल्ड ओवर द सप्लाई, ही इज द सोल सेलर, ही इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। मैं वंस अगेन रेलवे की बात करता हूं, अब जी देख लो ताबड़तोड़ फुल हो जाता है, रिजर्वेशन 5 सेकंड में बोला ना, नो रिजर्वेशन टिकट्स अवेलेबल, भागो, चालू टिकट में बैठना तो आओ, बड़ा मुश्किल है। रेलवे की मोनोपोली आज भी है तो है। फर्दर प्राइस मेकर, देखो ना मर्जी ऐसे उतना प्राइस लेगा, वो ऊंट वाला बताया, दातुन वाला बताया, रेलवे को अभी आप कम मत समझना, वो चालू हो गया अभी तो, मर्जी महंगा उतना प्राइस लेते हैं, दे फिक्स द प्राइस फॉर द ओन प्रोडक्ट, दे कंट्रोल द मार्केट सप्लाई, मोनोपोलीज इज द प्राइस मेकर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मैंने एक शब्द बोला था, सेलर इज द प्राइस टेकर, मोनोपोली में इज द प्राइस मेकर। बोला ना एक ऊंट की सवारी 250 रुपया और हमने दिया है, हाथ जोड़ के बोला बिठाओ, फिर उसने एक ऊंट पे दो दो बिठाए, साले 500 रुपया लिया है, एक सवारी का उसने बोला 250, एक ऊंट का 250 नहीं, वो शाना, और हम लोग दो जन मिलके भी 250 250 500 दिया है। बाबूजी प्राइस टेकर, समझा, प्राइस मेकर, ये दो शब्द पकड़। प्राइस टेकर मतलब हम जो देंगे उसको लेना पड़ता है, वो मर्जी नहीं चलाएगा कि नहीं इतना लूंगा, वो कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन इज द प्राइस टेकर, और मोनोपोली इज द प्राइस मेकर। बाबू जी वो चाहे का उतना ज्यादा प्राइस लगेगा। देखो ना ये रेलवे वाला फिर लाया हूं मैं, एसी में इतना, नॉन एसी का भाड़ा इतना, और अभी तो तत्काल आया है, तत्काल तत्काल 24 घंटे के अंदर टिकट ले, उसमें भी एकदम तत्काल में भी कुछ सुपीर तू तत्काल या क्या क्या निकाला, पैसा कमाने के लिए। रेलवे का वास्तव में काम है लोगों का वेलफेयर देखना, लोगों को सुविधा देखना, कमाना नहीं। लेकिन अभी का रेलवे बोलेंगे तो साला हमारे को चीर डालते, एसी में भी वो क्या बोलते हैं, ट्रिपल एसी ने, डबल एसी ने, बाबूजी कुछ पूछिए मत, 3 टायर एसी ने, 2 टायर एसी ने, सिंगल टायर एसी, तरह तरह का, इन शॉर्ट दे आर द प्राइस मेकर। दादागिरी, चल भाई आगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। बोला ना ऊंट वाले ने बच्चों का इतना, हम लोग से उतना, और बड़े लोगों का एक आध जन का कम पैसा भी ले लिया, कि चाचा ठीक है आप आ जाइए, चलो 100 रुपये में लेके जा रहे इसको। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करते हैं।
इससे इतना उससे उतना, आप क्यों ऐसा नहीं पूछ सकते जी? डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, एक से प्राइस कम लेना, दूसरे से प्राइस ज्यादा लेना, कर सकते हैं। डॉक्टर लोग भी करते हैं, कुछ मरीज से पैसा कम लेंगे, उसमें क्या है? हम लोग भी कोचिंग क्लास में टीचर लोग करते हैं कि भाई गरीब का बच्चा है तो फोकट पढ़ा लिया, थोड़ा मिडिल क्लास का है थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, पैसे वाला बोलते हैं पूरा दीजिए आप लोग। डिस्क्रिमिनेशन मतलब ऐसा भेदभाव, मोनोपोली कर सकता है। बाबूजी, he is the price maker, he can charge different prices to different consumer for the same product, चीज वही, different customer के लिए different price। कभी कभी वो समय समय पे price अलग लेता है। आप देखो ना, एरोप्लेन का टिकट का प्राइस अलग अलग होता है। लेट नाइट का टिकट निकालो सस्ते में मिलेगा, सुबह का और शाम का निकालेगा महंगा मिलेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं, बिजनेस क्लास पीपल। तो वो अर्ली मॉर्निंग का जो प्लेन होगा और शाम का प्लेन होगा ना, 200 का टिकट, दोनों टिकट भाव ऊपर। लेट नाइट पकड़ लो सस्ता मिलेगा, एकदम अर्ली मॉर्निंग ले लो 5 बजे 4 बजे सस्ता मिलेगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, सेम चीज है बट दे आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, एंड दस द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली। बाबूजी, स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स आर गेटिंग रेलवे टिकट कंसेशन, डू यू नो? सीनियर सिटीजन जितने भी, उनका टिकट का भाड़ा कम लगता है, स्टूडेंट्स का भी टिकट का भाड़ा कम लगता है, बाकी के लोग को पूरा भाड़ा देना पड़ता है। ये हकीकत है जी। ऑर्डिनरी टिकट, हैंडीकेप लोगों का भी कम भाड़ा लगता है, ब्लाइंड वगैरह लोगों का तो बहुत ही कम भाड़ा लगता है, और उसके साथ उसका अटेंडेंट होता है, अटेंडेंट मतलब उसके साथ में उसको ले जाने वाला, उसका भाड़ा भी कम। क्यों मत पूछो, दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। किसका प्राइस कम, किसका ज्यादा, वो अलग अलग लेंगे। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, यू नो फर्म एंड इंडस्ट्री, आई हैव एक्सप्लेन दिस टू वर्ड्स। एक फैक्ट्री को फर्म बोलते हैं, और एक फैक्ट्री, दूसरा फैक्ट्री, तीसरा फैक्ट्री, चौथा फैक्ट्री, ऐसे बहुत सारी फैक्ट्री, ये पूरे फैक्ट्री का ग्रुप को इंडस्ट्री बोलते हैं। समझा ना? एक फर्म को, एक फैक्ट्री को फर्म बोलते हैं, और ये सब ऐसी फैक्ट्री का समूह को, टोटल को इंडस्ट्री बोलते हैं। तो मोनोपोली जब है तो वहां फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि खुद ही फर्म है और खुद ही इंडस्ट्री है, क्योंकि वो वन एंड ऑल है। बाबू जी, मोनोपोलिस इज द सोल सेलर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। अ मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री, फर्म भी खुद, इंडस्ट्री भी खुद। भाई जी, मुझे आगे बढ़ना है। भाई जी, तो ये मोनोपोली की अपनी दादागिरी है। मैंने बहुत सारे फीचर्स आपको मोनोपोली के बता दिए। बाबूजी, एक बार खाली पढ़ के सुना देता हूं। ही इज अ सिंगल सेलर, अकेला है, दादागिरी है, देर इज नो सब्स्टिट्यूट, बैरियर ऑफ एंट्री, बैरियर मतलब रुकावट है, नया आएगा नहीं, चाहे लीगली नहीं आवे, चाहे टेक्नोलॉजी के कारण से नहीं आवे, कोई नेचुरल कारण से नहीं आवे, कोई भी कारण से नहीं आएगा, बैरियर टू द एंट्री। नेक्स्ट, कंप्लीट कंट्रोल ओवर सप्लाई, खुद महाराजा है, सप्लाई कंट्रोल करेगा। ही इज द प्राइस मेकर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताया ना, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। बाबू जी, मोनोपोली में आगे टाइप्स ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली अलग अलग प्रकार के होते हैं जी। Types of monopoly, one is a private monopoly. Private monopoly मतलब सीधी बात है ना, private, खुद का है, सीधी बात है बाबूजी, खुद का अपना एक बगीचा होता है, इसमें अपन एंट्री थोड़ी किसी को देंगे, कितना private है, खुद का है, अकेले का है, ये कोई public garden नहीं, कोई भी आओ झूला झूल के जाओ
तो प्राइवेट मोनोपोली मतलब खुद का है। जब प्राइवेट कोई भी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, यहाँ पर बिजनेस की बात करते हैं, बगीचा को बाजू पे छोड़ रहे, लेकिन वो प्राइवेट है, ये उदाहरण तेरे को जचता है। बाबू जी कोई प्राइवेट बिजनेस होते हैं, जैसे मैंने इधर लिखा है टाटा ग्रुप, बाबू जी मानना पड़ेगा टाटा स्टील एंड आयरन एंड स्टील कंपनी जिसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, बाबू जी भारत की यह स्टील बनाने वाली पहली कंपनी थी, अकेली लौती कंपनी, और आज तक इसका मोनोपोली चल रहा है कि इसके जैसा क्वालिटी स्टील दूसरी कोई कंपनी नहीं बना रही है। मगर पहले तो ये अकेले ही थी, अभी तो दूसरे लोग आए, तो स्टील बनाने वाला अकेला नहीं है, फिर भी उसकी क्वालिटी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। मुझे इतना ही बोलना है, ये प्राइवेट मोनोपोली आपके सामने टाटा ग्रुप मैंने लिखा था। सेकंड पब्लिक मोनोपोली, पब्लिक का मतलब बच्चा गवर्नमेंट, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, या पब्लिक का मतलब जनरल पब्लिक नहीं, रोड पे चलने वाली पब्लिक ऐसा नहीं, जो चीज गवर्नमेंट की ओन्ड है, कंट्रोल्ड है, जिसको ऑपरेशन गवर्नमेंट करेगा, इट इज नोन एज पब्लिक मोनोपोली। इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ओनली, इट इज जनरली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। जैसे इंडियन रेलवे, वंस अगेन मैंने लिखा है बाबूजी, भारतीय रेल, मानना पड़ेगा ऑफकोर्स अभी इन लोग ज्यादा पैसा लेते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्लीज रेल याने रेल। नेक्स्ट, लीगल मोनोपोली, बाबू जी कुछ चीज लीगल मोनोपोली का मतलब वो चीज लीगली वही बना सकता है, वो चीज वही कर सकता है, कानूनी उन्होंने अपना हक बना लिया होता है। ये सब दवाइयां है ना, देखना वो दवाई का डुप्लीकेट दवाई अपन नहीं बना सकते। ये जितनी भी फॉरेन की कंपनी है ना बाबूजी, बड़ी बड़ी, ये सब चोर नंबर वन है, उन्होंने अपना वो दवाई बनाने का लाइसेंस रख लिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेटेंट राइट, कि ऐसा मिक्सिंग करके दवाई अपन लोग उसका कॉपी नहीं कर सकते हैं, वरना जुर्माना पड़ेगा आपको, जेल में जाना पड़ेगा, चक्की पीसना पड़ेगा। ये लीगल मोनोपोली, उन लोग ने वो अपने राइट जमा दिए कि ये ऐसा चीज हम ही बनाएंगे, उसका पूरा पेटेंट राइट उन लोग रिजर्व कर लेते हैं अपने नाम पे, कभी कभी कोई नाम अपना रिजर्व कर लेते कि ये नाम हम लोग ही वापरेंगे और कोई नहीं, कोई चित्र उन लोग बना के रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है अमूल प्रोडक्ट, बाबू जी वो अमूल का ऐसा आता है ना, अकली बकली क्या बोलते रहे, देखना वो चित्र आज भी वो बोलते हैं अमूल अमूल क्या रे, अभी तो अमूल दूध पीता है इंडिया, ये भी मैं देखता हूँ बाबू जी, चित्र देखो सालों से ऐसा ही है, आप कितना भी बटर बनाओ लेकिन ये चित्र नहीं वापर सकते, अमूल बटली बचली लिलेक्स क्या बोलते हैं जेरे, अटली बटली, ये उनका रिजर्व है, दिस इज कॉल्ड लीगल मोनोपोली बच्चा। चल आगे, नेचुरल मोनोपोली, बाबू जी कुदरत ने भी देखना कुछ कमाल किया है, कुछ चीज उधर ही, मैं सच बोलता हूँ, दुनिया पे अगर जो कोई स्वर्ग है तो कश्मीर है, ये मानना पड़ेगा, मैंने भी देखा है, एंड रियली जब उधर गया तब अनुभव हुआ कि वो सच्ची बात है। ब्रिटिश लोग अपना वेकेशन मनाने के लिए कश्मीर यूके से आते थे, उसके पीछे का राज तभी मालूम पड़ता है कि कश्मीर जैसा खूबसूरत जगह आपको देखने नहीं मिलेगा, इट्स अ रियलिटी। दुनिया का एकमात्र स्वर्ग है कश्मीर, नेचुरल मोनोपोली, जगह जगह फूल लगते हैं। मैं भी वहां गया था ना, तो वहां के मालिक को मैंने पकड़ा था, पटाया था, और बोला कि ये जो आप लोग का एक प्लांट है ना, फूल लगाते हैं ना, उसका वो बीज होएगा ना, सीड मेरे को दे। तो मैं वो कागज गीला रख के, कपड़ा उसके ऊपर गीला रख के, वो वहां से यहाँ लेके आया था मलाड, और मैंने भी वो गमला बमला बनाया था, वाइफ को बड़ा शौक है, तो गमले में वो थोड़ा फर्टिलाइजर वगैरह डाला, वो बीज भी डाले, मस्त पानी वानी डालते थे, 2 4 दिन हो गया, देखते थे रोज, आएगा आएगा आएगा, 7 दिन हो गया, महीना हो गया, कुछ नहीं आया। बाबू जी वो तो वहां की मिट्टी है कुछ यार, यहाँ क्या होएगा, अगर जो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा तो फिर लोग कश्मीर क्यों जाएंगे। नेचुरल मोनोपोली बाबू जी, द मोनोपोली इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशन, क्लाइमेट,
बाकी स्विट्जरलैंड का क्लाइमेट देख लीजिए, हाँ 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 मैं कभी गया नहीं है। हल्का हल्का सूरज निकलता है, ठंडी ठंडी हवा निकलती है और हल्का हल्का बर्फ गिरता है। अपने यहाँ तो साला चूना गिरेगा मेरे पे, इसे बराबर मरवाओ। हाँ लेकिन हम भी आनंद लेते हैं, एसी की ठंडी हवा आती है, कभी चूना गिर गया तो बोलते हैं देखो इट इज द स्नो फॉलिंग। लोगों को बोलने का मैं भी आनंद ले रहा हूँ। स्विट्जरलैंड कुदरत ने स्विट्जरलैंड का जबरदस्त एटमोस्फियर बनाया, हेल्दी एटमोस्फियर कुदरत है, मैं नहीं गया हूं। और लोगों में भी इतनी ह्यूमैनिटी है उधर। बाबूजी आप रोड क्रॉस करते हैं और गाड़ी आवे ना तो गाड़ी रुक जाएगी, आपको रोड क्रॉस करने पहले देंगे। हमारे यहाँ देख लो साले, रिक्शा वाले मेरे को ऐसा कट मार के जाते हैं, तेरी तो साला मेरे को ऐसा ऐसा करना पड़ता है, जाने देने ये जाने देना। रोड क्रॉस करना बोलेंगे तो आफत है। और वहां पेडलर्स दे आर अलाउड फर्स्ट टू क्रॉस द रोड, बाबू जी गाड़ी रुक जाएगी। यहाँ तालापन जाता आएगा तो भी वो रुकाएगा ना, ऐसा आगे से मारेगा, चुप अपने लोग को बाजू में कर देता। स्विट्जरलैंड है भाई, ये मलाड है। क्या मच्छर पलते हैं आजू बाजू। चल भाई चल, नेचुरल मोनोपोली, कुदरती रेनफॉल, ये सब क्लाइमेटिक कर बोला ना, कश्मीर जबरदस्त। बाबूजी ये बात आपको मानना पड़ेगा कि पंजाब का जो गेहूं आता है ना, आज भी बड़ा मशहूर होता है, सिहोरी गेहूं, एमपी, ये सब कुछ जगह का वो मशहूरी है। ये देखो मैंने पंजाबी लोगों को, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया पंजाब, वहां की जमीन में वो ताकत है। दिस को नेचुरल मोनोपोली। चल भाई ज्यादा बातें नहीं करना है, सिंपल मोनोपोली। मतलब सिंपल मोनोपोली का मतलब है सेलर और द फर्म चार्जेस यूनिफॉर्म प्राइस फॉर ऑल इट्स प्रोडक्ट टू ऑल द बायर्स। बाबूजी यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट टू ऑल द बायर्स, एकदम सिंपल प्रकार की ये मोनोपोली होती है कि वो सब बायर को एक ही प्राइस लगाएंगे, सिंपल मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बताया था ना, भेदभाव, स्टूडेंट का प्राइस कम, सीनियर सिटीजन का प्राइस कम बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, हैंडीकैप का प्राइस कम। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मतलब फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। जैसे मैंने डॉक्टर का भी बोला था, हम क्लासेस वाले भी ये करते, बच्चा जरूरत वाले को हम लोग उसको मदद करना चाहिए ना, यार मैं पैसा कमा के बैठा हूं और अभी वो नीडी मेरे सामने आए और मैं उसके बच्चे को नहीं पढ़ाऊं तो यार लानत है मेरे पे, ऐसा जीवन क्या करने का, खाली पैसे जमाने के लिए। बाबूजी हम लोग टीचर नहीं बने, हाँ हमारी जरूरत है तब तक ठीक है, लेकिन अभी आज मुझे सब कुछ मिल चुका है, ऊपर वाले की पूरी मेहरबानी है। और अगर जो मेरे पास सामने है कोई गरजू जो पढ़ने वाला बच्चा है लेकिन फीस नहीं भर सकता है, बाबूजी मैं उसको ना बोल दूं तो मेरे से नीचा आदमी ये दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सीधी बात है यार, जरूरत थी पैसा लेना पड़े वो पता लगे, अब हम सेट हो गए फिर भी उसका हम पैसा छोड़े नहीं, ये कोई मानवता नहीं है ना। वी मस्ट अंडरस्टैंड अवर रोल एंड ड्यूटी इन द सोसाइटी। तो बाबूजी ये भलाई का काम करने का मौका मिले, जीवन में कभी छोड़ना नहीं, कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि साथ क्या ले जाएगा यार। तो कभी मौका मिला है कोई जरूरत वाला है तो उसको मदद करने में, भले यहां बोलना पड़ता है डिस्क्रिमिनेटिंग हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं है, जरूरत है उससे ना पैसा लो छोड़ दो कम लो। बाबू जी डॉक्टर लोग भी ये करते हैं, डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट्स, मैंने चित्र लिया है। बाबू जी मैंने ऐसे डॉक्टर देखे हैं, हमारे बाजू में थे देसाई डॉक्टर, नाम लेने में बड़ा गर्व महसूस होता है, ये डॉक्टर डॉक्टर बोला जाता है। यस देसाई हॉस्पिटल अभी भी चलती है, लेकिन अभी सेकंड थर्ड जनरेशन आता है, वो जनरेशन जनरेशन होता है, और देसाई अमृतलाल देसाई जकास। बाबूजी गरीब लोग मैंने अपनी आंखों से देखा है, गरीब पेशेंट जाएगा तो फोकट में उसका चेकिंग करेगा, उतना ही नहीं अपनी जेब से पैसा देगा, बोलता है दवाई तो फोकट दे रहा हूं, ये पैसा इसलिए दे रहा हूं खाना खा के दवाई खाना हट। नाम लेने का भी देख कितना मजा आता है, खाना खाने का उसको, क्योंकि दवाई कैसे को तो खा देगा, दवाई फोकट में दे दे ले।
अरे वो इतना गरीब है, पहले खाना तो खाए हैं। ए ले ये डॉक्टर चला मारना पड़ता है। कभी भी कोई अच्छा इंसान अच्छा काम करे, हेड्स ऑफ देना भूलना नहीं। बहुत डॉक्टर है अच्छे अच्छे ऐसा नहीं है कि सब फालतू है। ये अमृतलाल देसे मेरे बाजू में ही है, अभी तो नहीं रहे, लेकिन नंबर वन, इसके सामने कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता। बता रहा उसका उदाहरण, सामने से पैसा देता खाना खाने का, सॉरी, और ये उसकी ताकत नंबर वन। तो डिस्क्रिमिनेशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, वॉलंटरी मोनोपोली। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है सुन, वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक। ये क्या है स्वैच्छिक मोनोपोली? सुनना बाबूजी, अरबस्तान ये सब जो इलाका है ना, दुबई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सब सब उधर मिडल ईस्ट, वहां जिधर खोदो साला वहां से तेल निकलता है। ये सब लोग का तेल के ऊपर अपना बड़ा भारी कब्जा है। अभी सब लोग तेल बेचने जाएंगे दुनिया में, अलग अलग राज्य, अलग अलग देश, तो उन लोग में कंपटीशन होता है। तो क्या होता है फिर, प्राइस काटना चालू होता है कि मैं बेचू मैं बेचू मैं बेचू। दे सपोज टू रिड्यूस द प्राइस टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो ये सब मिडल ईस्ट के देशों ने अपना एक यूनियन बना लिया, ओपेक, बाबूजी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक। लिखा है उधर लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ऑयल एंड पेट्रोल, इन लोग मतलब ये सब देश है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन को दे देगा अपना प्रोडक्शन, और ये फिर ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया में बेचेगा ताकि उन लोग का प्राइस हाई रहता है। अकेला अकेला बेचने जाएगा तो अंदर अंदर ही कॉम्पिटिशन में प्राइस डाउन होता है। तो ये सब देश ओपेक को बेचेगा और ओपेक दुनिया में बेचेगा, मतलब ज्यादा प्राइस दे सका ना। तो यहाँ क्या हुआ, एक एक देश होता तो उन लोग में कंपटीशन थी, तो इन लोग ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और सबने मिलकर अपना एक मोनोपोली बना दिया। दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी मोनोपोली। वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक। बाबूजी, सम मोनोपोलीज वॉलंटरली कम टूगेदर एंड फॉर्म द ग्रुप एंड दे बिकम द मोनोपोली। सीधी बात है, ताकि उन लोग अपना प्राइस बढ़ा सके, प्रॉफिट बढ़ा सके। बाबूजी, कुछ बातें तेरे सामने रख रहा हूं, यू शुड नो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे पर्सनल मैंने कहा ना, डॉक्टर अलग अलग पेशेंट से अलग फी ले सकता है, प्लेस वाइज देख ले बाबूजी, डिफरेंस इन हाउस रेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। देखो ना, वहां का गांव का भाड़ा नहीं है, शहर में कितना भाड़ा देख लो दुकान मकान का। तो प्लेस वाइज भाड़ा अलग अलग, पर्सनल सर्विस में डॉक्टर फीस अलग अलग ले सकता है, टाइम वाइज। अब जी मैंने कहा ना, वो एरोप्लेन का, एसटी बस का भी ऐसा है आजकल, तो बिजी टाइम पे निकलने वाली बस का भाव ज्यादा रहता है, ऑड टाइम पे निकलेंगे, ऑड टाइम पे वहां पहुंचेंगे गांव में आधी रात को, ऐसी बस में जाओ सस्ता भाड़ा, सीधी बात है। एसटी बस फेयर डिफर फ्रॉम ओवरनाइट एंड डे टाइम ट्रैवल, अलग अलग भाड़ा है, प्लेन का भी मैंने बताया। यूज, अब जी इलेक्ट्रिसिटी देख लो, आप घर के लिए डोमेस्टिक यूज करेंगे तो रेट एक लगता है, और आप बिजनेस के लिए, शॉप के लिए कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो उसका रेट हायर लगता है, आपको मालूम होगा शायद, मतलब यूज के आधार पे रेट अलग, टाइम के आधार पे फेयर अलग, प्लेस के आधार पे रेंट अलग, और डॉक्टर अलग अलग पेशेंट को अपना फीस अलग अलग लगा सकते हैं। दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, ऊपर नीचे सीधे शब्द में।
फर्दर बाबूजी एक अंदर टेबल दिया है तो तू भी जरा देख ले क्या है वो टाइप ऑफ मोनोपोली। तेरे को बोलना है आसाम की चाय। बाबूजी मैंने आंसर लिखा है चाय पीने का। मम्मी पापा बोले तो मेरे को तो अभी भी ये लेक्चर लेने हैं तो 2 से 2.25 कप चाय पी के बैठा हूं। मजा आता है जी, चाय ये टॉनिक है जी। लेकिन आपके माँ बाप ना बोलो तो मेहरबानी करके मेरे को मत आगे करना कि एचएम पीता हम भी पियेंगे। भाया मम्मी पापा फर्स्ट। मगर चाय में कोई तकलीफ नहीं है, घबराने का नहीं। मेरी मम्मी चाय नहीं पीती थी, मेरे पापा मस्त ज्यादा पीते थे मेरे में भी ये शौक आ गया। आसाम की चाय बच्चा नेचुरल मोनोपोली है। नेक्स्ट ऑटोमिक एनर्जी। पब्लिक गवर्नमेंट वो सब बनाएगा ना हथियार, ये पब्लिक मोनोपोली हुआ। एग्जांपल आपको देना है कौन से प्रकार की मोनोपोली है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। लोगो ऑफ कॉमर्शियल बैंक होता है ना बाबूजी, देना बैंक, वो देना ऐसा लक्ष्मी जी का फोटो बताया है, देना नाम है देना बैंक, साले सबसे लेते हैं देना। अरे क्या देना, देना फिर सिर्फ नाम है देना, आपसे लेगा तो उसका भी लोगो है लीगल मोनोपोली। एक पॉइंट और बुक में लिखा है जो मैं तेरे सामने पेश करता हूं। मोनोपोली सिंगल सेलर, मोनोपोली सिंगल सेलर, उल्टा भी तो हो सकता है सिंगल बायर। ऐसा मोनोपोली सिंगल सेलर सिंगल बायर हो तो मोनोपसोनी, चलता पकड़ मोनोपसोनी। और सोनी टीवी वगैरह आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान सोनी, वही सोनी। सिंगल सेलर मोनोपोली, सिंगल बायर मोनोपसोनी। कमाल है, ऐसा भी होता है क्या बाबूजी? हमारे गांव का ये एग्जाम्पल सच्चा देता हूं, बहुत ये एग्जाम्पल बहुत से गांव में, हमारे गांव ऐसा अकेले नहीं है बाबूजी। वहां जमींदार लोग हैं, जमींदार मतलब खुद की बड़ी बड़ी जमीन, आपकी नजर खत्म हो जाए लेकिन उसकी जमीन खत्म नहीं हुए। तो मजदूर लोगों को उसकी जमीन पे दहाड़ी, दहाड़ी मतलब एक दिन का उसको मजदूरी देता है। ऐसे रोज के सैकड़ों मजदूर को वो काम पे रखता है, रोज के। उसका मुनीम है, वो सब मैनेजर लोग सब संभालते हैं। जमींदार तो अपने बंगले में रहता है हवेली में। तो लेबर लोग लाइन में खड़े होते हैं, कुछ लोगों का तो अगले दिन से ठेका लगा देते हैं और मुनीम को थोड़ा मस्का पालिश करके कमीशन देके मेरे को काम पे ले लेना। मतलब देखो, लेबर को खरीदने वाला सिर्फ एक ही है जमींदार, और इतने सारे लेबर है जो अपनी सर्विस बेचना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी लेबरर्स अवेलेबल and there is only single buyer who purchases the service of all the laborer and there is the jamindar. So jamindar having the power to decide the wage rate, kitna wage rate se apne ko aadmi logo kaam pe rakhna wo nahi karega ki aaj ka wage rate itna rahega, aana hai to aao babuji. Worker ko khana nahi milta hai, kam bhav deta hai to bhi humko le lo, humko le lo, pada padi hoti hai. Single बाबूजी दूसरा कोई साधन नहीं है ना मजदूरी का, काम का, इनकम का, खेती है खाली, क्या करेंगे? जबरदस्ती उसी के पास अपनी सर्विस देना है। तो देर इज सिंगल बायर हु परचेज हु बाय द सर्विस ऑफ ऑल दिस लेबर एंड दैट जमींदार इज डिसाइडिंग द वेज रेट. He exploit the seller. सुना शब्द? He exploit the seller. तो यही तो होता है। यूपी में गन्ना
किसान है ना गन्ना जो पकाते हैं, अभी सुनना, अभी गन्ना तो ऐसी चीज है कि वो उसके अंदर जूस होता है, अगर जो आप नहीं काटोगे तो सूख जाएगा, काट के रखोगे तो सूख जाएगा। सब अपना गन्ना बेचने निकलते हैं किसान लोग, और वो मिल ओनर बाबू जी इतना कम पैसा देता है, या तो बीच में वो कमीशन एजेंट इतना कम पैसा देते हैं, उसको मालूम है अभी गन्ना इसने काटा है तो वो बेचेगा ही ना, कितना दिन रुकेगा, इधर गन्ना सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। There are so many sellers ready to sell their sugar cane. Single buyer. पूरे लोकालिटी में एक कंपनी है शुगर की, और ये सब जबरदस्त गिरदी लगाते कि हमारा गन्ना ले लो, हमारा गन्ना ले लो, कोई भी भाव में ले लो। सिंगल बायर, सो मेनी सेलर्स, फार्मर्स, दोज हु हैव प्रोड्यूस शुगर केन, एंड देयर इज ओनली सिंगल शुगर मिल इन दैट पर्टिकुलर लोकैलिटी दैट परचेज द शुगर केन एट लोअर प्राइस, एक्सप्लोइटिंग द फार्मर्स। क्यों मत पूछ, मोनोपसोनी, सिंगल बायर देखा, सिंगल सेलर देख, दोनों है, मोनोपोली मोनोपसोनी, दोनों अपन ने देखा। तो बाबूजी ये लेबर मार्केट, ये फार्मर की मार्केट ऐसे ही चलती है। बाबूजी अगला टॉपिक ओलिगोपोली, ये मैं अभी नहीं ले रहा हूं, अगले मीटिंग में लूंगा। उसके पहले ये जरा आपके सामने मोनोपोली के और ये जो छोटे मोटे बातें कहे टाइप्स ऑफ मोनोपोली, ये आपके सामने मैं रिपीट कर लूं ताकि आपको अच्छा लगे। बाबूजी पढ़ना आपका काम है, मेहरबानी करके ऐसा वक्त नहीं निकालना कि अपन ने कुछ किया ही नहीं और बस सर बोलता गया और अपन खाली बस मजा लेते गए। नहीं बाबूजी, उसका कोई मतलब नहीं है। अनलेस यू प्रिपेयर एट होम इट इज ऑफ नो मीनिंग, क्योंकि मेरा लेक्चर सुनने में हमेशा बच्चों को आनंद आता है, मुझे भी मालूम है, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल वैसे बातें करता हूँ और सब सच्ची बातें करता हूँ, जो आंखों देखी है, खुद ने देखा है, एक एक जो मैंने नाम लिए हैं ये सब सत्य है। तो बाबूजी ये सब आपको सिखाने के लिए है। तो चलिए, सवाल का नाम था टाइप्स ऑफ मोनोपोली, वन इज द प्राइवेट, प्राइवेट अपना गार्डन भी होता है वो भी तो प्राइवेट मोनोपोली है, लेकिन ये आपने को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, टाटा टिस्को। सेकंड मैंने लिया पब्लिक मोनोपोली, बाबूजी गवर्नमेंट की मोनोपोली इंडियन रेलवे आज भी अपनी दम खम पे खड़ा है। लीगल मोनोपोली मतलब दूसरे को लीगली आने नहीं देंगे, ये अमूल बटर, अमूल अटली बटली जो भी रहे, ऐसे जो दवाई की कंपनी है वो भी ऐसा ही करती है, अपना पेटेंट राइट ले लेती है ताकि और कोई घुसे नहीं। नेचुरल मोनोपोली, पंजाब के गेहूं देख लो बाबूजी, एक कुदरत ने उनको अच्छी जमीन दिया है तो उनकी एक स्पेशलिटी है, आसाम की चाय एक स्पेशलिटी है। सिंपल मोनोपोली कि बाबूजी एक ही सेलर है और वो एक ही प्राइस से बेचना चाहता है, मतलब वो दादागिरी नहीं दिखाता है, ऐसा भी मोनोपोली होता है। अभी तो बाबूजी मैं ये साउथ बाजू मंदिरों में गया हूँ, कभी कभी तो दुख होता है, तो यार मंदिर में भी एक लाइन सभी अलग, जिसमें विदाउट पैसा आगे, दूसरा 100 रुपया देगा तो बीच में वाली लाइन में, 500 देगा तो आगे, और 1000 रुपया देगा तो एकदम तेरे को वो VVIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन सीधा भगवान का आगे से दर्शन, 1000 रुपया दे। चला गजब हो गया, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, भगवान के उधर जा रहे हैं या ये देखो आप लोग, सचमुच लोगों की श्रद्धा खत्म हो जाएगी, ये होना नहीं चाहिए, हो रहा है। और पैसे वाले का मतलब फटाफट VVIP चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, डॉक्टर अलग अलग पेशेंट से अलग अलग फीस चार्ज करता है, वॉलंटरी मोनोपोली मैंने सिखाया जी, ओपेक का उदाहरण दिया, ये जो लोग अलग अलग है लेकिन सब लोग ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया ताकि सब लोग मिलके अपना पेट्रोलियम प्रोडक्शन ओपेक को बेचेंगे और ओपेक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट, मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन वाले पर्सन बोले, प्लेस बोला जहाँ भाड़ा अलग है, समय बोला, बस का, एयर का,
फेयर अलग अलग है, कुछ टाइम में भाड़ा ज्यादा लेते हैं, क्वार्टर टाइम में भाड़ा कम लेते हैं, और यूज के आधार पे इलेक्ट्रिसिटी का आपने देखा है बाबूजी, घर का बिजली का भाड़ा कम आता है, दुकान मकान दुकान और ये फैक्ट्री का कॉमर्शियल लगता है बाबूजी। फिर मैंने मोनोपसोनी आपको सिखाया, मोनोपसोनी यानी सिंगल बायर, सिंगल सेलर मोनोपोली, सिंगल बायर मोनोपसोनी, खेती में दो उदाहरण दिए, वो लेबर का और ये गन्ना किसान का बाबूजी। अगला सवाल मैं चालू अभी नहीं कर रहा हूँ, ओलिगोपोली पढ़ना बच्चा, रिवाइज करना, इट्स योर इम्पोर्टेंट वर्क। एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।